दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको देना पड़ सकता है 1,000 रुपये तक का जुर्माना। अभी एक नई अपडेट आई है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये 1,000 रुपये तक का जुर्माना बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे चेक करना है कि आपका आधार कार्ड है जो पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं। जब आप नया पैन कार्ड बनाते हैं तो उस समय मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो जब नया पैन कार्ड जो भी अप्लाई किया था वहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड दिया था तो लिंक ही होगा। लेकिन आप चेक कर लें कि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं, तो इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आप भी अपना आधार कार्ड है जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से घर बैठे लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए या आपका और ये चेक करने के लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स BTI। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये जो बेल आइकन है यहाँ पर प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, आने वाली हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। मोबाइल में अगर चला रहे हो तो मोबाइल में भी अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है e-filing, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है e-filing, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक है e-filing होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो ये निशान है, यहाँ पर ये वाला कट का निशान, इस पर आपको एक बारी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिंक आधार जो ये है आपको फंक्शन दिख रहा है, लिंक आधार पर आपको एक बारी क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन होके आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिख रहा है पैन, यहाँ पर लिखा है पैन, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है जो भी आपका पैन नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैन नंबर डाल लेते हैं। मेरे पास एक भाई का है, वो उसने मेरे को दिया था अपना पैन कार्ड कि मेरा जो पैन कार्ड है आप चेक कर लें कि हमारा आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। तो मैं इसका पैन कार्ड जो पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पर डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पैन कार्ड नंबर डाल लेना है। पैन कार्ड नंबर को आपने 2 से 3 बार चेक कर लेना है कि पैन कार्ड हमारा जो है, हमने पैन कार्ड नंबर डाला है सही है कि नहीं। अगर आप पैन कार्ड गलत नंबर डाल देंगे तो आपका जो है वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। जो भी जिस भी कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालना है उसी का आपके पास जो है आधार नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उसी कस्टमर का जो भी आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। जो ये बॉक्स है इसमें आपको टिक नहीं करना है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसमें वही लोग टिक करेंगे जिनका आधार कार्ड पे ओनली ईयर लिखा है, जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, जैसे सन 1996 ओनली लिखा है और आपकी डेट और जो आपका मंथ है वो नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ फुल लिखी है उनको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो ये कैप्चर है यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे ये कैप्चर लिखा जाए जैसे सेम आपको उस तरह से यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कैप्चर चेक कर लें कि हमने सही भरा है कि नहीं। उसके बाद आपको ये यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक आधार यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लिंक आधार पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर लिखा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू द गिवन आधार नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो इसका जो भी ये है आधार नंबर है और इसका इनकम टैक्स पैन कार्ड है जो भी है, ये इसके साथ लिंक हो चुका है, पहले से ही ऑलरेडी लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा यूअर पैन कार्ड डिटेल्स UID सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा आता है पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक्ड तो आपका जो पैन कार्ड है ऑलरेडी लिंक है। अगर फिर भी आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।